मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस आध्यात्मिक चैनल में। और मैं ज्ञानुराम, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे व स्वस्थ होंगे। मित्रों, मैं एक आज साधना लेके आया हूँ जो कि पिशाचिनी देवी की साधना है, और ये 7 दिन की साधना है। और एक बात और बता दूँ भाई, जो लोग कमेंट में मेरे से साधनाएँ मांग रहे हैं तो सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर मेरे को मजबूरन एक ईमेल आईडी बना के, और ईमेल आईडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ के रखी है। उस पर जिसको वाकई में सीखना वो मेरे को ईमेल करे, ईमेल के थ्रू उसको मैं जवाब दे दूंगा। और वो साधना सीखना चाहता तो वाकई में वो मेरे को ईमेल कर दे, उस पर उसको मेरे नंबर मिल जाएंगे और वो मेरे से साधना सीख सकता है, ठीक है। क्योंकि वैसे यूट्यूब पर नंबर छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि लोग बहुत परेशान करते हैं, तो इसलिए मैंने वो ग्रुप वगैरह भी पहले बंद करना पड़ा था। तो बहरहाल चलते हैं साधना की ओर। और बाकी नौ दिनों का ये नौरते चल रहे हैं, तो इस नवरात्रि में मैं 9 दिन तक 9 देवियों की साधना डालूंगा। हर दिन एक नई देवी की साधना आएगी, हर दिन एक नई देवी की आएगी। आज जो साधना आ रही है पिशाचिनी देवी की साधना, गुप्त साधना है, जो कि पहली बार यूट्यूब पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको कदर की निगाह से देखें। तो विधि सुन लीजिए इसकी। विधि इसकी इस टाइप है, इसमें आपको कपड़े लेने हैं, कपड़ों से शुरू करते हैं। कपड़े इसमें काले और काला आसन लेना है, ठीक है, और काले ही मोतियों की माला लेनी है। धूप आपने इसमें जलाना है, जो कि कपूर और लौंग का, कपूर जला के और उसके ऊपर लौंग डालते रहो, जोत टाइप जोत जलानी है। दिशा इसमें आपको पूरब लेनी है, ठीक है, और जाप संख्या इसकी जो है वो मित्रों 7 दिन तक साधना करनी है, और जाप संख्या 1007 बार मंत्र आपको पढ़ना है। थोड़ा गला खराब हो गया इसलिए पता नहीं आवाज़ सही नहीं आ रही होगी। तो इसका मंत्र है वो भी मैं आपको बोल के सुना दे रहा हूँ, और ये आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए। और ये कपड़े और आसन, ये साधना समाप्त होने के बाद आपको क्या करना, या तो जल प्रवाहित कर दे, या कहीं ऐसी जगह, इन्हों को दोबारा यूज नहीं करना है, नहीं पहनना है, इन्हों को जाके आप किसी नदी में प्रवाहित कर दे, या किसी जगह पर गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दे, गाड़ दे। तो ये ऐसे साधना संपन्न होती है। लास्ट दिन में इस देवी का प्रत्यक्षीकरण होता है, तो ये देवी हमारे मुँह मांगा वर देती है। वर भी ले सकते हो और हमेशा के लिए उनको अगर वश में करना चाहो तो वश में भी कर सकते हो। और इसमें रक्षा कवच की विशेष आवश्यकता है, तो इसमें रक्षा कवच है, वो आयतल कुर्सी चारों कुल का भी कर सकते हो। और बाकी और बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं रक्षा कवच के ऊपर, तो उनमें से भी आप कोई यूज कर सकते हो, ठीक है। मित्रों, अब मंत्र सुनाता हूँ आपको। राम का देवी वती रंग पिशाचिनी कड़ंग चंडालनी चढ़े माला ज्वाला शरण तेरी भगत फट स्वाहा। दोबारा से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ मंत्र, आपको देख लीजिए। राम का देवी वती रमंग पिशाचिनी कड़ंग चंडिका, सॉरी मित्रों, चंडालनी चढ़े माला ज्वाला शरण तेरी भगत फट स्वाहा। दोबारा से एक बार मैं सुना देता हूँ आपके, धीरे धीरे बोलूँगा, आप ध्यान से सुन लीजिए। राम का देवी वती रमंग पिशाचिनी कड़ंग चंडालनी चढ़े माला ज्वाला शरण तेरी भगत फट स्वाहा। ये है मंत्र, मंत्र में ये लिख के नहीं देने वाला, और इसकी आपको साधना करनी। और इस देवी से अगर आपके वचन वगैरह हो जाते हैं तो इनसे पाव
वापस कैसे इनको प्रत्यक्षीकरण करना, कैसे बुलाना, वो भी तरीका आप इन्हों से खुद ही पूछ लीजिएगा, ठीक है। इनकी यही विधि है, ठीक है मित्रों। धन्यवाद। जय श्री राम। जय।